नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उल्लिली थाना स्थित हिल सिटी अपार्टमेंट के निर्माणाधीन भवन में पति ने रड से मारकर अपनी पत्नी की हत्या, हत्यारा पति फरार। कपाली में लॉटरी के धंधे के वर्चस्व में चली गोली, एक युवक को लगी गोली, अस्पताल में किया गया भर्ती। जादूगोड़ा यूसील माइंस में कार्यरत ठेका कर्मी सुरेश मुखी के मौत मामले में परिजनों ने नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर कंपनी गेट को किया जाम। और साक्षी सब्जी मंडी में रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग निर्दलीय विधायक सरयू राय ने की। खबरें विस्तार से। उधर उलीली थाना क्षेत्र से सनसनीखेज हत्याकांड का मामला प्रकाश में आया है, जहां कुंगनुम बस्ती के समीप कल्याण बिहार स्थित हिल सिटी अपार्टमेंट के निर्माणाधीन भवन में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद पति मौके से फरार हो गया है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही उलीडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव के साथ मृतिका की बच्ची को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि हत्यारे पति ने अपनी पत्नी के गुप्तांग में सरिया घोपकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। दोनों पति पत्नी निर्माणधीन बिल्डिंग में मजदूरी करते थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। ये NH-33 के किराने कल्याण बिहार के नाम से लोग इसे जानते हैं। यहाँ बहुमंजिली इमारत, व्यवसायिक इमारत बन रही है और इमारत निर्माणाधीन है। जो काम करने वाले बिल्डर है, उन्होंने काम को एक ठेका मजदूर को काम ठेका में दिया हुआ था। ठेका मजदूर ने अपने मजदूर को लाके यहाँ रखा हुआ था। जो मकर संक्रांति का टुसू का पर्व था, उसमें लेबर सब चले गए थे, लेकिन कुछ लेबर यहाँ थे। उसी में एक मजदूर ने अपनी पत्नी की जगन हत्या कर दी, उनके गुप्तांग में रड डाल दिया। मामला सनसनी आग की तरह जंगल में फैल, मैंने पूरे शहर में फैल गया। और जो मजदूर ने अपनी पत्नी की हत्या की, वही मजदूर ने ठेकेदार को फोन करके बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, मैं थाना में सिलेंडर करने आ रहा हूँ। उसके बाद ठेकेदार ने बिल्डर लोगों को बताया, स्थानीय लोगों को बताया, थाना में खुद बिल्डर जाकर इसकी शिकायत की है। तब आनंद थाने में पुलिस आई और शव को अंत परीक्षण हेतु लेके गए हैं। और पति उसका, पति का जो मोबाइल आया उसके मोबाइल बंद है, पुलिस को ट्रैक कर रही है। मगर पति अभी हिरासत में नहीं आया है? अभी तक तो नहीं आया, क्योंकि मामला एक डेढ़ घंटा पहले उजागर हुआ है। तो महिला यहाँ रहती थी क्या? हाँ, महिला चूंकि बहुत मजदूर रहते थे, क्योंकि निर्माणाधीन मकान है ना, मकान बन रहा है। की है ये महिला, कुछ पता चला? अभी तक पता चल रहा प्रथम दृष्टि में कि घाटशिला तरफ के रहने वाले लोग हैं। आया है क्या है पूरा मामला सर? आप स्पॉट पे गए भी थे? ऑलरेडी थाना क्षेत्र में हिल सिटी अपार्टमेंट्स में एक मजदूर महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। जाके देखा गया, डेड बॉडी वहीं थी और कथित तौर पर हत्या उसके पति के द्वारा की गई थी। ये प्राइम ऑफिस से सामने आया। लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएंगे आपको। हत्या में एक रोड का प्रयोग हुआ है, जिसको महिला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उस रोड से उस महिला की हत्या की गई है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें मामले का कारण कुछ पता चला है सर अभी तक? जब तक अक्यूज नहीं पकड़ में आता है और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक कारण बताना संभव है। क्या ये लोग शादीशुदा हैं दोनों? बच्चे भी बताया जा रहे हैं? एक बच्चा भी है। कथित तौर पे यही है, जब तक फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता लॉजिकली बताना संभव है। बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने टिंकू नामक युवक की हत्या की नियत से गोली मारकर किया घायल। गंभीर स्थिति में पुलिस ने इलाज के लिए TMH में भर्ती कराया। लॉटरी का कारोबारी है घायल युवक। कपाली ओपी के नगर परिषद कार्यालय के समीप बीती रात अपराधियों ने टिंकू नामक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। टिंकू के पैर में गोली लगी है। घटना की सूचना मिलने पर कपाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए TMH में भर्ती करवाया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पल्सर बाइक पर सवार दो अपराधियों ने टिंकू सोरेन की हत्या की नीयत से गोली चला दी। घायल युवक लॉटरी का कारोबार करता है। वही अस्थायी नौकरी एवं मुआवजा की मांग पर स्थानीय लोगों ने कंपनी गेट को जाम किया। जमशेदपुर के जादूगोड़ा यूसील माइंस कार्यरत ठेका मजदूर सुरेश मुखी की मौत के बाद परिजन तथा सामाजिक संगठन के लोगों ने परिजन को अस्थायी नौकरी और 5 लाख मुआवजा की मांग की है।
जानकारी हो कि कार्य के दौरान सुरेश मुखी की मौत हो गई थी, जिसके बाद जादूगोड़ा मुखी समाज विकास समिति और बस्ती वासियों ने परिजनों संग सोमवार को यूसील कंपनी गेट को जाम कर नौकरी और मुआवजा की मांग करने लगे। भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश मुखी ने परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई है। यूसील में ठेका मजदूरी में कार्य कर रहे सुरेश मुखी, जो काम करने के दौरान संदेहास्पद स्थिति में उनकी स्थिति बिगड़ती है और परिवार के लोगों को ये सूचना दी जाती है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और उनको एमजीएम अस्पताल भेजा जा रहा है और वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा उनकी मौत की पुष्टि की जाती है और इतने घंटों बीतने के बाद इतना समय बीतने के बाद भी अभी तक ना ही संवेदक के प्रतिनिधि और ना ही ईसल प्रबंधन के प्रतिनिधि किसी ने भी परिवार की सुध लेने की ना ही कोशिश की और ना ही इसे जरूरी समझा। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी सुरेश मुखी का जो शव है वो अस्पताल के शवगृह में है और अभी तक कोई किसी भी प्रकार का ना हम लोग से वो वार्ता करना चाह रहे हैं और हम लोग विवश होकर के मुआवजे की मांग को लेकर के आज यहाँ हम लोग सड़कों पे बैठे हैं। यहाँ विशेषकर दलित समुदाय के लोग हैं तो हमारा मांग है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, मृतक के परिवार को मुआवजा मिले, उनको परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। इन सब मांगों के लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को साक्षी थाना अंतर्गत बसंत सिनेमा के पीछे लगने वाले दैनिक सब्जी मंडी पहुंचे, जहां जांच के क्रम में पूछताछ में विधायक ने पाया कि गरीब सब्जी विक्रेताओं से 30 से 50 रुपए की वसूली की जाती है, जिस पर सरयू राय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए तत्काल जेनेसी, साक्षी थाना और सिटी एसपी को फोन कर अवैध वसूली पर रोक लगवाने का निर्देश देते हुए सख्त चेतावनी दिया कि दोबारा अगर ऐसी शिकायत मिलेगी तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। सरयू राय ने बताया, हर दिन पार्किंग ठेकेदार के गुंडे दैनिक सब्जी विक्रेताओं से 50 से 60 हजार रुपए की अवैध वसूली करते हैं, थाना को इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि थाना की ओर से कहा गया है कि अब तक वसूली से संबंधित किसी ने भी शिकायत नहीं की है, जिस पर सरयू राय भड़क उठे और कहा, अगर गवाही लेनी है तो मुझे थाना बुलाइए, मैं शिकायत दर्ज कराता हूं। हालांकि सरयू राय के तेवर को देखते हुए साक्षी थाना पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहां से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुझे लगता है कि 250 से कम दुकानदार नहीं है। इतनी वसूली में रोज 50,000 रुपए की वसूली कर रहे हैं नाजायज। मैंने थाना को खबर किया, थाना बोलता हमसे कोई शिकायत नहीं करता है। तो हमने यही कहा कि आप सोच लीजिए कि आपकी क्या विश्वसनीयता आपसे शिकायत नहीं करता है। एक को पकड़ के ले गया। ये सब कहते हैं कि जो ठेकेदार का आदमी है पार्किंग वाला वसूलता है कि हमारा ठेका है, हम तुमको देना होगा। हमको जो नहीं देता है उसकी सब्जी लोग उलट देता है, फेंक देता है। ये शिकायत सही पाई गई और उसमें से एक आदमी पकड़ा गया जिसको साक्षी थाना ले गया। मैंने JNSC के स्पेशल अफसर को, CTSP को, सबको बता दिया कि कोई दुकानदार थाना नहीं जाएगा। ये कमाता है, सुबह 3-4 घंटा बेच के घर चला जाता है। बुलाना है हमको बुलाओ, मैंने देखा है, इनकी तरफ से मैं रहूंगा। और सबों को कहा है कि कल से कोई पैसा किसी को नहीं देगा। वहीं दूसरी ओर पार्किंग कर्मी ने बताया कि JNSC के द्वारा यह स्थान पार्किंग के लिए अलॉटेड किया गया है, जहां पर सब्जी विक्रेता सब्जी की खरीद बिक्री करते हैं। इन विक्रेताओं से स्वेच्छा से 20 रुपए लिया जाता है ताकि JNSC में रेवेन्यू जमा करा सके। सरजू राय जी, पहुंचे थे पार्किंग स्थल पर, आपके सब्जी विक्रेताओं से पैसा वसूला जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ये बात सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे में? देखिए, आज तो सुबह के टाइम में हमारे जो यहाँ के माननीय विधायक है सरयू राय जी और उनके साथ 10-15 लोग थे, जो कि पहले 10-15 लोग आए और आके सब्जी वाले लोग से पूछने लगे कि आप लोग से शुल्क लिया जाता है। तो बहुत सारे दुकानदार बोले कि नहीं, हम लोग से नहीं लिया जाता है। इस पर एक दो दुकानदार को उन्होंने बोला कि हम लोग हैं, तुम बोलो करके उसने एक कल्लू नाम लिया करके, एक लड़के का नाम लिया उस लड़के ने, और सब्जी दुकान वाला है कि नहीं पता नहीं, वो वीडियो में दिख नहीं जा रहा। तो जब हमको सूचना मिला, हम आए थे, विधायक जी भी आए, तो हम बोले कि यहाँ देखिए, आप 12 बजे के बाद से पूरा दुकान रहता है और मेरा पूरा पार्किंग का जगह को पूरा छेद के रखा हुआ है,
और हम लोग आज नहीं, हम लोग के ठेकेदार भी जो थे सुधांशु ओझा जी, वो भी लिख के दिए इतना बार जेनिसिन इसको हटाने के लिए लेके, तो अभी हटा नहीं है और वो लोग मेरा गाड़ी के जगह पे लगा के लॉस हो रहा है मेरा रेवेन्यू का। तब वो लोग उसके बदले में लोग बोलता है भैया हम जो गाड़ी का आपका लॉस हो रहा है, एक गाड़ी का जो 20 रुपये चार्ज है हम लोग आपको उसको कर देंगे, हम लोग लगने दिए। इसके बावजूद हम लोग बोले कि नहीं, अभी प्रशासन का आदेश नहीं है आप लोगों को लगाने का। मगर आज जब जोगीपा जी पहले आए और सब्जी वाले लोग से पहले मिल उल के उसके बाद विधायक जी को बुलाए, तो ये 3 साल से जब कोरोना काल में यहाँ लगाने के लिए दिया गया था उसके बाद से आदेश को हटा दिया गया था कि इसके बाद से कि आप लोग जहाँ मंडी में और बाराबोरी में लगाएं, उसके बाद जो 3 साल से यहाँ सब्जी विक्रेता लगातार लगा रहे हैं और सरयू राय जी का जो ऑफिस है उनके पीछे ही ये लगा हुआ है 3 साल से। तो पार्किंग में अपने गाड़ी वॉशिंग का भी, गाड़ी भी धुलाई होता है, पाइप का पानी उन्हीं सब आया हुआ, किसका वॉशिंग वाले से नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो दबंग आदमी के संरक्षण में है, जोगी पाजी का संरक्षण में। वो वहाँ से अपना टिस्को क्वार्टर जो उनके नाम से लोटेड है उससे वो पानी देते हैं, जो कि आप वीडियो में देख लीजिएगा पाइप है, लाइन देते हैं। आपके पार्किंग में आप क्यों नहीं हटवाते? और वो वॉशिंग सेंटर में कोई जनरेटर से चलता उलता नहीं, उन्हीं का लाइन दिया हुआ है जो कि महीना में देता है शुल्क। और जिसको डीसी महोदय एक बार चेकिंग में आए थे मंगल बाजार को जगह के लिए या निरीक्षण में वो ला पाए थे, तो बोले थे कि इसको तत्काल में हटाया जाए और इसे आदेश दिए थे कि अगर लगाना है तो लीगल वे में आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बावजूद भी वो नहीं हटाया क्योंकि उसको संरक्षण प्राप्त है जोगीपा जी का। क्या आप लोग पैसा आप लोग से वसूला जाता है? पैसा हम लोग से सुबह नहीं वसूला जाता भैया, गाड़ी जब लगता है तो गाड़ी के हिसाब से, जैसे पार्किंग का 20 रुपया तो हम लोग से भी 20 रुपया लेता है कि बाबू टाइम ओवर हो गया, 20 रुपया तुम लोग भी अपना दो नहीं तो दुकान हटा लो। कोई नाजायज पैसा नहीं है, कोई अथी नहीं है भैया। तो अपने मर्जी से देते हैं? अपना मर्जी से देते हैं, कोई इसमें जबरदस्ती और जोर नहीं है। कितना देते हैं? 20 रुपया मात्र। और वहीं सांची स्थित बाराद्वारी में पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पहली पत्नी को मारकर घायल किया। स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती करवाया। सांची स्थित बाराद्वारी में पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पत्नी को मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए TMH में भर्ती करवाया है। आज मेरे जीजा के पास पैसा लेने के लिए हम लोग गए तो अचानक से सबीता उसकी जो रखेल है उसको अचानक से सर में आके उसको मार दी, तो मेरी दीदी बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोग को भी मारी और मेरी बहन है उसको भी मार दी। तो आपके जीजा नहीं रहते हैं साथ में? नहीं, उसको छोड़ के 1-1.5 साल एक डेढ़ साल से छोड़ा हुआ है। उनके साथ नहीं रहती है, उसके साथ उसकी रखेल के साथ रहती है, किसी और को रखा हुआ है। हाँ। तो आप लोग कब पता चला? हम लोग को पता चले 1 साल पहले ही पता चला था, लेकिन वो मिल रहे नहीं थे। उसका फोन सब स्विच ऑफ करके रखे हुए। आज आप लोगों को कैसे पता चला? जो रखे हुए ना मेरे जीजा, उनकी जो सिस्टर है उन्हीं से पता चला कि वो यहाँ साक्षी में रहते हैं बोल के, तो हम लोग उसके घर चले गए। कहाँ पर? साक्षी में? साक्षी देवनगर। देवनगर? हाँ। तो जब गए तो आप लोग बातचीत किए आप लोग? हाँ, हम लोग जाने से ले जीजा से बातचीत कर रही थी दीदी, और वैसे अचानक से आकर सर में मार दिया। आप लोग को कैसे लगा? हम लोग को भी सर में मारी और मेरा तो बाल पकड़ के मारी थी और मेरी दीदी का सर में मारी है। क्या चीज से लोग मारी है? डंडा से। जब उसको मारे सर में तो वो भी वहीं पे थे। क्या नाम है जीजा का? मनसा यादव। मनसा यादव। हाँ। कितने साल हुआ शादी का? वही 10-12 साल। लव मैरिज था अरेंज मैरिज? लव मैरिज था। साथ ही आपको बता दें टेलको थाना अंतर्गत जिमको स्थित रवि इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरों ने चोरी का प्रयास किया, हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो पाए। भुक्तभोगी ने इसके लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। वैसे इस इलाके में काफी दुकान है, रोजाना की तरह बीती रात भी दुकान के मालिक रात को 8 बजे दुकान को बंद कर घर चले गए और देर रात चोरों ने यहाँ चोरी का प्रयास किया था। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो दुकान के बाहर लगे बोर्ड उखड़े दिखे, साथ ही दुकान के बाहर लगे शोकेस भी क्षतिग्रस्त पाया। इसकी लिखित शिकायत इन्होंने स्थानीय थाने में की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। को हमारे दुकान के आगे जो है बोर्ड को तोड़ दिया गया है, रड उड़ था उसको लेके चला गया है लोग। क्या लगता है कि चोरी का प्रयास हुआ? चोरी का ही प्रयास हुआ है, आज ये बोर्ड तोड़ा गया है, हो सके कहीं कल को ताला की तोड़ने की प्रयास किया जा सके इसमें। तो क्या थाना में लिख के दिया? मैं अपने एक एप्लीकेशन थाना में लिख के दे दिया हूँ थाना प्रभारी को। इधर मानगो थाना अंतर्गत डिमना रोड स्थित 6 झोपड़ी नुमा दुकानों में बीती रात अचानक आग लग गई। सभी दुकानें इस आग में जलकर खाक हो गई। इन दुकानों में सब्जी ट्रेलर और
साइकिल रिपेयरिंग की दुकान शामिल है। बताया जाता है कि बीती रात करीब 1:30 बजे दुकानों में आग लगी। हालांकि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मुख्य सड़क पर ये दुकानें हैं। यहाँ व्यापार करने वाले गरीब तबके के लोग हैं जो सब्जी बेचकर, साइकिल रिपेयरिंग कर या टेलर का काम कर अपना गुजर बसर करते हैं। इस आग लगी के भुक्तभोगियों में राजकुमार दास, चंचल गोराई, सपन दुलारी गोराई, अजय साहू एवं एक अन्य व्यक्ति की दुकान शामिल है। दुकान था आपका सब्जी, हरा सब्जी। कब पता चला आपको? सुबह सोके उठे। अच्छा, मैंने 7 बजे देखा। क्या आए तो क्या देखे आप? जला हुआ सब दुकान। हाँ। कितना दुकान जला? टोटल छेठो सब सब्जी बेचता था? अच्छा, और सब सब्जी होटल है ना? कैसे जला कुछ पता चल पा रहा है? क्या चीज़ दुकान था आपका? सिलाई का दुकान था। अच्छा, आपको कब पता चला आग लगने का? आपको कब पता चला? हम तो सवेरे आया था तब पता चला। अच्छा, वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब आप अपने ख्वाबों के घर घर सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर, नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट मानगो। हमारा ब्रांच चेपोल नियर अक्का गार्डन मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7997998059598 और 9433177748। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में
हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर, लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसको देखते हुए एक और जहां सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन जरूरतमंदों के बीच कंबल और अलाव का वितरण कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग भी अपने अपने स्तर से बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल और अलाव की व्यवस्था में जुटी है। इधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच लगातार कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को कदमा के कई बस्तियों में सैकड़ों लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इसकी जानकारी देते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यालय प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि मंत्री के निर्देश पर जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। इसके अलावा और भी समस्याएं जो सामने आ रही हैं उसके निदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार क्षेत्र में जारी रहेगा। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश पर सभी जरूरतमंदों के बीच सैकड़ों कंबलों का वितरण हम लोग रोज कर रहे हैं। आज इसी क्रम में कदमा में हम लोग इसे एक कैंप लगाकर कोविड 19 के गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोग जरूरतमंदों के बीच आज कंबल का वितरण किए। मैं संजय तिवारी, माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का कार्यालय प्रभारी। उधर कैंडल मार्च निकालकर लालजी यादव को न्याय दिलाने की मांग लोगों ने की है। स्वर्गीय लालजी यादव, जो साहिबगंज नगर के निवासी एवं पलामू जिले के नावा बाजार के थाना प्रभारी थे, उनकी संदिग्ध मौत को लेकर पैतृक निवास साहिबगंज नगर में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर सीबीआई जांच एवं दोषियों को फांसी देने की मांग की। और सरायकेला खरसवा के राजनगर के हिंसल बाजार में अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना के दौरान स्थानीय पत्रकार ने अपने कर्तव्य और सामाजिक दायित्व को दिखाते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। राजनगर हाता चाईबासा मुख्य मार्ग हिंसल बाजार में संध्या लगभग 4:30 बजे राजनगर से लौट रहे सैनिटाइज कर्मी को एक अज्ञात वाहन ने ठोकर मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया। वहीं घायल युवक को स्थानीय पत्रकार रवि गोप ने नजदीकी क्लिनिक प्रिया हेल्थ सेंटर में इलाज करवाकर घर पहुंचाया, जिसे इलाज के बाद छोड़ दिया गया और वह कुछ देर बाद वापस अपने घर टाटा निकल गया। बता दें कि घायल युवक आर्यन कुमार जमशेदपुर के साक्षी से राजनगर सैनिटाइजेशन करने गए थे। वापस लौटने के समय घटना घटी। घटना में उनकी मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स भी क्षतिग्रस्त हो गया है। कहाँ गए थे आप? हम राजनगर गए थे सैनिटाइज करने। अच्छा, लौटते वक्त ये हुआ? हाँ, ये सामने से आता। और मारकर चला गया। आपको कहीं चोट लगी है? हाँ, हाथ में लग गया। अभी ठीक है? हाँ, फिलहाल तो ठीक। कहाँ के रहने वाले आप? हमसे तो साक्षी। क्या नाम है आपका? आर्यन कुमार। वहीं कस्तूरबा विद्यालय में 15 से 18 आयु वर्ग के 34 छात्राओं को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय राजनगर में सोमवार को 15 से 18 आयु वर्ग के छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया था, जहां कुल 34 छात्राओं को कोरोना का पहला डोज कोवैक्सीन का टीका लगाया गया।
सर्वप्रथम सभी छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत कोविड टेस्ट किया गया, जिसके बाद सभी छात्राओं का टीकाकरण हुआ। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एहतियात बरतते हुए डॉक्टरों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन की उपस्थिति में सभी छात्राओं का कोरोना जांच एवं टीकाकरण किया गया। वैक्सीनेशन में थोड़ी कुछ कमी आई है, क्योंकि 80% हम लोग टारगेट पूरा कर चुके हैं, लेकिन कोविड केसेस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रही है। आज जैसे कि 10-12 केस अभी तक मिल चुकी है, अभी तक जैसा अभी रिपोर्ट आ रही है। तो सर इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही है इसको? इसके लिए हम लोग है ना बच्चों को, वैसे अभी तक जितना भी केसेस मिले हैं सब असिम्प्टोमेटिक है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। इसमें बच्चों को अच्छी तरह से होम आइसोलेशन के लिए हम लोग भेज रहे हैं, उन लोगों के लिए ना किट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सारा मेडिसिन वगैरह और जो भी है, डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, भीड़ भाड़ जगहों से बचना, ये सब जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जमशेदपुर टाटा नगर रेलवे स्टेशन में सोमवार को कोरोना जांच के दौरान 124 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल ने कहा कि रोजाना टाटा नगर रेलवे स्टेशन में कोरोना की जांच की जा रही है, लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। वहीं सोमवार को जांच के दौरान टाटा नगर रेलवे स्टेशन में 124 केस मिला है। जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें अपने एम्बुलेंस से MGM तुरंत भेज देते हैं। वहीं कुछ लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से कोरोना मरीज की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सावधानी ही बचाव है। रेलवे स्टेशन में हर दिन कोविड पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 124 केस हम लोग को अभी तक मिल चुका है, और इसके लिए हम लोग जांच में जो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको हम लोग अपने एम्बुलेंस से MGM अस्पताल भेज देते हैं। वहाँ डॉक्टर्स उनकी जांच करके जो होम आइसोलेशन के लायक रहते हैं उनको होम आइसोलेशन कर देते हैं, और जिनमें अगर जरा भी सिम्टम मिलता है और डॉक्टर ये समझते हैं कि उनको रखना जरूरी है अस्पताल में, हम लोग उनको MGM अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। अचानक सर बढ़ने का कारण क्या? अचानक देखिए, अचानक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कोविड प्रोटोकॉल का नहीं पालन कर, ये बहुत बड़ा इशू है जिसको जनमानस नहीं समझ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का अगर पालन किया जाएगा तो निश्चय ही इसकी संख्या में गिरावट आएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उल्लिली थाना स्थित हिल सिटी अपार्टमेंट के निर्माणाधीन भवन में पति ने रड से मारकर अपनी पत्नी की हत्या, हत्यारा पति फरार। कपाली में लॉटरी के धंधे के वर्चस्व में चली गोली, एक युवक को लगी गोली, अस्पताल में किया गया भर्ती। जादूगोड़ा यूसिल माइंस में कार्यरत ठेका कर्मी सुरेश मुखी के मौत मामले में परिजनों ने नौकरी और मुआवजा की मांग को लेकर कंपनी गेट को किया जाम। और साक्षी सब्जी मंडी में रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग निर्दलीय विधायक सरयू राय ने की। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।